अंदाज दा वाले ये जायका चेंज है। ये एक चिकन फ्लेवर किया उसको कि अच्छा उसका टेस्ट हो जाए। दूसरे जगह जो मिलते हैं वहां से यहाँ अच्छा है। से आता है कुछ और से आता है, कोई मेहमान से आता है, कोई लाल से आता है। इस इलाके में पहले दाल चावल नहीं था, इस एरिया वाइज में पहले दाल चावल नहीं था, तो फिर मैंने इसको स्टार्टिंग किया कम क्वांटिटी वाइज में, फिर माशाल्लाह अच्छा जैसे दाल को अच्छा किया, कस्टमर भी बढ़ते गए। अब है कि मजीद इस एरिया वाइज में सबसे ज़्यादा दाल चावल यहाँ से लो। ये एक चिकन फ्लेवर किया उसको कि अच्छा उसका टेस्ट हो जाए। आप जो भी लोग अक्सर लोग दाल चावल भी खाते हैं और प्लस दाल भी अलग से लेके जाते हैं दाल अच्छी होने की वजह से। जी चिकन डालने से लोगों को अच्छा लगता है, टेस्ट अच्छा लगता है, इस वजह से चिकन को ऐड किया है इसके अंदर कि चिकन दाल चावल। हर जगह होता है, किसी की लौकी डली होती है, किसी किस तरह के दाल चावल होते हैं, लेकिन हम इसको अच्छा करते हैं कि कम अज़ कम बेहतरीन करके जायका है उसका। चिकन का गोल्डन पीस होते हैं, गोल्डन पीस को लेके इसको रेशा करते हैं, रेशा करने के बाद जाके फिर उसमें दाल में ऐड करते हैं इसको। दाल जो बनती है 3-4 किस्म की दाल होती है उसको बनाते हैं, इसमें मसूर है का दूसरी अपना चने की दाल है, एक और मसूर है, दो है, दो किस्म की है, 3 किस्म की दाल होती है। और सुबह तकरीबन इसको 9 बजे चढ़ाते हैं, तकरीबन 11:30-12 बजे ये अवेलेबल होती है। फिर चिकन डलती है इसके अंदर, गोल मिर्चें डलती हैं, एक कड़ी पत्ता वगैरह, सोया वगैरह, ये मिक्स करके फिर जाके इसको तैयार किया जाता है। एक मेमनी दाल होती है उससे हटके होती है, हमारे एक अपने प्रोसीजर है तो उस तरीके से इसकी कैद बनती है। ये हर आदमी आज 3-4 जगह कहीं भी चला जाए तो ये जो टेस्ट है हर जगह ये टेस्ट कहीं नहीं मिलेगा आपको। दाल अभी लगी है, दूसरी लगी है, कम पड़ेगी फिर दोबारा लगा लेंगे। चावल तकरीबन 4-5 मरतबा चावल लगता है कि गर्म गर्म मिले कस्टमर को। तकरीबन 25 किलो जो है चावल बिकता है और तकरीबन 12 से 15 किलो दाल होती है। बहुत से दूर दूर से आते हैं, कुछ जोर से आता है, कोई मेहमान से आता है, कोई लाल से आता है, और प्लस यहाँ रोड वाइज कस्टमर इतने के माशाल्लाह जब जो रश होता है तो लोग खुद ब खुद यहाँ से रुक जाते हैं। 99% दाल चावल बिकते हैं, बाकी ऑलरेडी चीज़ें जैसे चिकन बिरयानी है, अफगानी पुलाव है, हैदराबादी पुलाव है, वाइट बिरयानी है और बाकी सब चीज़ें हैं ऑलरेडी। चिकन दाल चावल 120 रुपये की है और वैसे कुछ किसको राइस चाहिए 70 रुपये की है, दाल चाहिए वो भी 70 रुपये की है, और जिसके पास अमाउंट नहीं है कुछ कम है तो 50 की भी ले जा सकता है, किसी चीज़ का किसी को मना नहीं है। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। दिल चाह रहा था कि दाल चावल खाएं, तो यहाँ से गुजरते हुए नजर आई दाल चावल, तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा दाल चावल, टेस्ट बड़ा अच्छा लगा मुझे इसका। ना चिकन दाल चावल है, चिकन दाल चावल है, इसलिए चिकन के हवाले से मैंने सुना चिकन दाल चावल है तो मैंने आज टेस्ट किया, माशाल्लाह अच्छा दाल चावल। ये जायका चेंज है बनस्बत दूसरे जगह मैंने 2-3 जगह और भी खाया, उससे डिफरेंस है ये। मैं यहाँ दाल चावल लेने ऐसा भी मज़ेदार है और कुछ कीमत भी मुनासिब है। दाल चावल का फ़र्क ये है, एक तो क्वान्टिटी ज़्यादा है और लज्जत में अच्छा है, जायके में अच्छा है। दूसरी जगह जो मिलते हैं वहाँ से यहाँ अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। दूसरी जगह में ऐसा जायका नहीं है जिस जाए इसमें। एम रियाज पकवान सेंटर अंसर प्लाजा में है और अंचोली के सामने, और मेरा नाम खुद एम रियाज, मेरा ही नाम है, और मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी हर चीज़ को अच्छा किया जाए।